गुजरात विधानसभा चुनाव में लगाए गए बीजेपी नेता, तीन मंत्री, दो राज्यसभा सांसद गुजरात में लगाए गए। स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह को जिम्मेदारी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विजयपाल सिंह तोमर को जुम्मा। 1000 बीजेपी कार्यकर्ता गुजरात में रहेंगे मौजूद। पार्टी के 200 पदाधिकारी अब तक गुजरात पहुंच चुके हैं। देखिए, गुजरात चुनाव को देखते हुए 1000 बीजेपी कार्यकर्ता अब गुजरात में मौजूद रहेंगे। पार्टी के 200 पदाधिकारी अब तक गुजरात पहुंच चुके हैं। तीन मंत्री, दो राज्यसभा सांसद गुजरात में लगाए गए। स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर को भी वहीं भेजा गया है। 1000 बीजेपी कार्यकर्ता अब गुजरात में मौजूद रहेंगे। पार्टी के 200 पदाधिकारी पहले ही गुजरात अब पहुंच चुके हैं। तीन मंत्री, दो राज्यसभा सांसद, साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह भी अब गुजरात में लगाए गए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता लगाए गए हैं। श्रोता संदीप खेर हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, देखिए, अब गुजरात चुनाव को लेकर जो अपडेट सामने आ रही है कि पहले से जो मंत्री और राज्यसभा सांसद है उनको भेज दिया गया है, साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह को, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह को भी अहम जिम्मेदारी मिली है इसमें। बिल्कुल त्रिशला, देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव की अगर बात करी जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए तीन वरिष्ठ मंत्रियों के नाम आ रहे हैं और उसी के साथ साथ देखिए प्रदेश से दो राज्यसभा जो सदस्य हैं उनको भी इस बार फल खिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। और ये देखा गया है कि जिन सीटों की कमान इनको मिली है उनमें से अधिकांश जो सीटें हैं वहां पर अभी भी कांग्रेस जो है वो अपनी सीट पर काबिज है। इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो 1000 से अधिक कार्यकर्ता हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हो और चाहे उसी के साथ साथ प्रभारी हो, इनको भी गुजरात भेजने की तैयारी करी जा रही है। और इसमें 200 से जो अधिक कार्यकर्ता हैं वो गुजरात पहुंच चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपनी टीम के साथ, क्षेत्रीय टीम, अग्रिम मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, ये सभी लोग गुजरात पहुंचेंगे। तो देखिए, ऐसे में एक बात तो अहम है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी तरीके की कोई कोर कसर को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए इस बात को जानती है कि अगर एक भी सीट पर कमल नहीं खिलता है तो आने वाला जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं से नुकसान उठाना पड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी को डेंट लग सकता है। अब जिस तरीके से देखिए योगी सरकार के वो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की बात कर लें, जेपीएस राठौर की बात कर लें, दयाशंकर सिंह की बात कर लें, या फिर राज्यसभा मुख्य सचेतक है यानी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राज्यसभा सदस्य विजयपाल सिंह तोमर, इनको जिस तरीके से देखिए जिम्मेदारी दी गई है तो भारतीय जनता पार्टी ने आपस में पहले विचार विमर्श किया है, वो चाहे यहाँ योगी सरकार की बात कर लें या फिर शीर्ष नेतृत्व की बात कर लें, तो इन सभी जो नाम है इन पर मोहर लगाई गई है। इनकी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा से काफी मेल खाती है। लगातार इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर आगे बढ़ाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी इनको संगठन में। ठीक है संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। समाचार।